हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने जो सामग्री ली है वो है आम जो कि 200 ग्राम के आसपास है, चीनी 50 ग्राम के आसपास, चीनी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा ले सकते हैं, और बर्फ़ का तीन टुकड़ा लिया हमने, और आधा गिलास के आसपास दूध लिया है। मैंगो मिल्क शेक अपने घर पे बनाएं और बहुत मज़ेदार ये बनता है। आम को हमने छील के काट लिया है, अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे। तो आम का कटा हुआ भाग हमने डाला है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। फिर हम बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे इसमें, और अंत में जो हमने आधा गिलास दूध लिया था वो आधा गिलास दूध डालेंगे। और इसे ग्राइंडिंग करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ये फाइनली मैंगो मिल्क शेक बन चुका है, अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर इस प्रकार का होगा। हमें ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है, ज़्यादा पतला रखने से फिर वो मैंगो जो शेक होता है उसका मज़ा नहीं आएगा। फिर अब हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए हमने थोड़ी सी किशमिश का प्रयोग किया है, आप चाहे तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये देखने में जितना अच्छा है टेस्ट में उससे और कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इसे घर पे बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें इस गर्मी में ठंडी ठंडी मैंगो मिल्क शेक का। इसे बनाने के बाद आप फ्रेंड्स चाहें तो इसे फ्रिज में रख के एक दिन दो दिन के लिए रख सकते हैं, या तो आप उसी समय पी सकते हैं आप। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।